इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना के आड़ में सीएए एनआरसी एहतजाज करने वालों को ठिकाने लगाने का काम अमित शाह और उसकी हुकूमत कर रही है। पूरा देश जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग में लगा हुआ है, देश भर की पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने में लगी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ और मिशन में लगी हुई है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस के जरिए मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे। जब लोग कोरोना के डर से घरों में दबके पड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस अमित शाह के हुकुम पर सीएए एहतजाज करने वालों के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने में मसरूफ है। उन पर दिल्ली में दंगे भड़काने का इल्जाम लगाकर यूएपीए लगाया जा रहा है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी हो रही है पूरी दुनिया। मीडिया कोरोना में मसरूफ है, इन्हें किसी तरफ देखने के लिए वक्त भी नहीं है। किसी का भी ध्यान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, या फिर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा? जिन लोगों ने सीएए के खिलाफ एहतजाज पर खुलेआम गोलियां चलाई, उनमें से किसी के भी खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया गया। खुलेआम लोगों को दंगे के लिए भड़काने वाले कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही दंगे करने के लिए। जो यूपी से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भर भर कर गुंडे दिल्ली लाए गए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई सिर्फ सीएए एहतजाज करने वालों के खिलाफ हो रही है। उन पर नए नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सब कुछ बेहद बड़ी खामोशी से सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों को निपटाया जा रहा है। उमर खालिद, खालिद सैफी, जामिया के तलबा मीरान हैदर, सफूरा जरगर जैसों को दंगों का मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ यूएपीए लगाया गया है। हामिला सफूरा जरगर को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है। खालिद सैफी भी जेल में डाल दिए गए। जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक तलबा कैद और सदर शिफाउर रहमान को भी दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार बताकर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। अमित शाह और दिल्ली पुलिस की इस खेल का दायरा सिर्फ जामिया के तलबाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जामिया एक्शन कमेटी एआईएसए जैसे तलबा तंजीमों के सदर और कारकुनान और जिम्मेदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ज्यादातर के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मकसद साफ है, कोरोना वायरस के आड़ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन यानी कि एहतजाज करने वालों से किस तरह से बदला लिया जाए, किस तरह से इंतकाम लिया जाए। अमित शाह को मालूम है कि आज न कल कोरोना का संकट यानी कि उसकी मुसीबत खत्म हो जाएगी, इसके बाद सीएए के खिलाफ फिर से एहतजाज शुरू होगा। इसलिए वह अभी से कोरोना की आड़ में सीएए के खिलाफ जो एहतजाज की कयादत कर रहे थे, इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी और उन्हें धर पकड़ कर रहे, ताकि कोरोना का संकट खत्म होने के बाद दोबारा सीएए के खिलाफ कोई एहतजाज करने वाला बाकी न रहे। यही है इंतकाम की सियासत जो आज खेली जा रही है। इसे किस तरह से देखा जाएगा, आवाम किस तरह से इनके खिलाफ या इनके हक में फैसला सुनाएगी, ये आने वाला वक्त ही हम सबको बता देगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। देश कोरोना के खिलाफ जंग में बिजी है, दिल्ली पुलिस भी बिजी है, सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, एक बड़ी इंक्वायरी कर रही है। दरअसल इंक्वायरी कर नहीं रही, कुछ निष्कर्ष हैं जिसको होम मिनिस्टर पहले ही संसद में पेश कर चुके हैं, उन्हें पुष्ट करने के लिए एविडेंस ढूंढ रही है। दिल्ली दंगों के बारे में एफआईआर दाखिल हो रहे हैं, अरेस्ट हो रही है, उनकी नहीं जिन्होंने खुल के पब्लिक में भड़काने हुए बयान दिए, कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं, अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं, जो यूपी से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के गुंडे दिल्ली दंगों के अंदर लाने की खबर आई थी उनके बारे में नहीं, जो एक्टिविस्ट एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे, चुन चुन के उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, पब्लिक नोट नहीं कर रही, लेकिन एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। खेल ये है कि दिल्ली दंगों के लिए उन लोगों को जिम्मेवार ठहराया जाए जो कि सीएए के विरुद्ध पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तीर से दो शिकार। गृहमंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि इसके लिए
PFI और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक दो संगठन जिम्मेवार हैं। PFI वालों को तो मैं कतई नहीं जानता, लेकिन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के साथियों के साथ तो मैंने काम किया है। वो खालिद सैफी जिसने मेरी आंख के सामने एक बार नहीं कई बार लोगों को छोटी से छोटी प्रोवोकेटिव हरकत करने से रोका, किसी किस्म की इल्लीगैलिटी वायलेंस से बाज आने के लिए बोला, उसे आज दिल्ली दंगों का प्राइम एक्यूज्ड बना के जेल में बंद करके रखा हुआ। उमर खालिद को पहले मैं नहीं जानता था, इन दिनों जाना। इतना संजीदा, समझदार, ऐसे नौजवानों की तो देश को जरूरत है। और उसे इस दंगे के मास्टरमाइंड के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ FIR है। एक महिला को अरेस्ट किया है, सफूरा जरगर। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि वो प्रेग्नेंट है। कोर्ट ने इस बिना पे उसको बेल दे दी, लेकिन रिलीज होने से पहले एक दूसरे केस में उसको अरेस्ट किया गया ताकि कहीं बाहर ना निकल पाए। हर रोज खबर आती है, इंक्वायरी का दायरा बढ़ रहा है, नए नए लोग अरेस्ट हो रहे हैं, नए नए संगठनों का नाम आ रहा है। दो के अलावा अब जामिया एक्शन कमेटी स्टूडेंट्स वाली है, पिंजरा तोड़, आयसा सब स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, अब इन्हें भी शामिल किया जा रहा है। ये खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान आज भी अरेस्टेड हैं, एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत अरेस्टेड हैं। उस स्पीच के लिए जो मेरी आंख के सामने दी थी, कुछ भी नहीं था उस स्पीच के अंदर। अखिल गोगोई CAA के विरुद्ध आंदोलन का आसाम में नेतृत्व कर रहे थे, अभी भी जेल में है। एक मुकदमे में बेल मिलती है, जेल से कदम निकलने से पहले दूसरा मुकदमा कहीं और अरेस्ट करके ले जाते हैं। आप समझिए ये हो क्या रहा है। कोरोना वायरस की आड़ में कहीं हमें कोई दूसरा इंजेक्शन तो नहीं दिया जा रहा। ये कॉन्स्पिरेसी की इंक्वायरी है या कि इंक्वायरी खुद एक कॉन्स्पिरेसी है।